हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का हैंडबैग बनाएंगे। ये हैंडबैग मैंने छोटे छोटे स्क्वायर से बनाया है। जो हमारे पास कपड़े बच जाते हैं उन कपड़ों से मैंने ये हैंडबैग बनाया है। ये हैंडबैग मैंने 3-3 इंच के स्क्वायर से बनाया है। 3-3 इंच के स्क्वायर लेके मैंने ये हैंडबैग बनाया है। दोनों बेल्ट जहाँ पे हम लगाते हैं वहाँ पे मैंने वेलग्रो लगाया है दोनों तरफ। इस तरह हमारा ये बैग बनता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको ये मेरा बैग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर ये बैग आपको अच्छा लगता है तो हम इसका बड़ा बैग भी बना सकते हैं। जो हमने 3-3 के स्क्वायर लिए हैं वो हम 4-4 या 5-5 के स्क्वायर लेके भी इस बैग को हम बड़ा बना सकते हैं। तो चलो हम इसे अब बनाना शुरू करते हैं। इस तरह का हैंडबैग बनाने के लिए हमें कपड़े के इस तरह के छोटे छोटे पीस चाहिए रहते हैं। हम ये दो कलर का भी बना सकते हैं या कई कलर का भी बना सकते हैं। हमारे पास जितने कलर के छोटे छोटे पीस हों उनके बना सकते हैं। हमें सिर्फ 3x3 के इंच के स्क्वायर के पीस चाहिए रहते हैं। वो हम कितने भी कलर के कपड़ों में काट सकते हैं। 3x3 स्क्वायर के पीस काटने के लिए मैंने एक ये कार्डबोर्ड का पीस काट लिया है। ये मैंने 3x3 के स्क्वायर एक कार्डबोर्ड का पीस काट लिया है। इससे हम अपने कपड़ों के ऊपर छोटे छोटे पीस काट लेते हैं। इस तरह इसके ऊपर रखते हैं और इसे चौक से ट्रेस करके हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जिस तरह हमने ये एक स्क्वायर काटा है इस तरह हमको ये 22 स्क्वायर चाहिए। तो हम कितने भी कलर के, दो कलर के, चार कलर के, कितने भी कलर के हम ये पीसेस काट लेते हैं। इस तरह मैंने सभी अपने ये 22 पीस काट लिए हैं जो हमारे 3x3 इंच के स्क्वायर के रहते हैं। अब इन पीसों के हम आपस में सिलाई करते हैं। सिलाई करने के लिए शुरू में हम दो पीस आपस में इस तरह सिलाई कर लेते हैं। यहाँ से इन दो पीसों की सिलाई कर लेते हैं। तो हमारी दोनों पीस मैं यहाँ से पिनअप करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह दो पीसों की सिलाई कर लेंगे तो हमारे दो पीस आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं। इस तरह हमें दो 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 पीस की सिलाई करके हमें दो पीस और चाहिए, तो मतलब इस तरह हमारे 4 पीस चले जाते हैं। इस तरह हमें दो पीस चाहिए रहते हैं। फिर हमें 4 पीस जोड़ने रहते हैं। तो हम किसी भी तरह आपस में इन पीसों को सिलाई कर लेते हैं। इससे मैंने ये 2 पीस लगाए। अब इसी पीस के आगे हमें तीसरा पीस और जोड़ना रहता है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना रहता है कि हमें सभी पीसों की कटिंग करते हैं जो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और सिलते समय भी हमें सभी पीसों की सिलाई बराबर रखनी रहती है जिससे हमारी सिलाई टेढ़ी मेढ़ी ना हो जाए। 3 पीस जुड़ गए। अब तीसरे के बाद मैं चौथा पीस जोड़ लेती हूँ। इस तरह हमारे 4 स्क्वायर की एक लंबी पट्टी बन जाती है। इस तरह की हमें 2 पट्टियाँ बनानी है। फिर इसी तरह में 5 स्क्वायर की भी 2 पट्टियाँ बना ली। इस तरह मैं सभी पट्टियों को आपस में जोड़ लेती हूँ। मैंने सभी पीसों को आपस में, सभी स्क्वायर को आपस में सिलाई कर लिया। ये दो दो स्क्वायर के दो दो पीस, 2 पीस हो गए। फिर ये 4 स्क्वायर के हो गए हमारे 2 पीस, और ये 5 स्क्वायर के हो गए हमारे 2 पीस। अब सभी जगह हमने जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है वहाँ पे इस तरह इसको आपस में एक दूसरे से इस तरह करके इसके ऊपर हम प्रेस कर लेते हैं जिससे ये हमारी ये
आपस में सिलाई बिल्कुल सही हो जाती है। जब हम आपस में इन पट्टियों को जोड़ते हैं तो हमारी सिलाई सही आती है। तो मैं इनको यहाँ से प्रेस कर लाती हूँ। अब सभी जगह सिलाई के ऊपर मैंने प्रेस कर ली। इस तरह से हमारे ये स्क्वायर हो जाते हैं। सबसे पहले हमने जो टू स्क्वायर आपस में जोड़े थे उन दो स्क्वायर के ऊपर हम फोर पीस वाला स्क्वायर जोड़ते हैं। तो मेरा फोर पीस वाला स्क्वायर है, इसको इस तरह से जोड़ेंगे कि जो दो वाला जो सेंटर के दो पीस है वो सेंटर के दो पीस से आपस में जुड़ जाए। बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारी सेंटर की सिलाई है वो आपस में एक जगह आए। तो इसको हम इस तरह पिनअप कर लेते हैं यहाँ पे। इस तरह हमारे ये फोर पीस जुड़ गए। और फोर पीस जुड़ने के बाद हम फाइव पीस वाला पोर्शन जोड़ते हैं। ये हमारा फाइव पीस वाला पोर्शन है। इस वाले पीस को जोड़ते हैं। इस वाले पीस को जोड़ने के लिए जो हमने फोर पीस वाला पोर्शन जोड़ा था उसके फाइव पीस वाला पोर्शन उसके यहाँ स्टार्टिंग से या स्टार्टिंग में दोनों ये बराबर रहते हैं। तो इसका एक एक्स्ट्रा होता है जो दूसरी तरफ कोना निकल जाता है। तो इसको इस तरह से हम पिनअप कर लेते हैं। सभी जगह हमारी सिलाई बराबर आनी चाहिए, सभी जगह सिलाई बराबर आ रही। तो हम इसे पिनअप कर लेते हैं इसी तरह। तो हमारे पांच की सिलाई हो जाती है। अब वापस से हम अपनी पांच वाली दूसरी पट्टी लेते हैं। ये हमारी इस तरह ये दो पट्टियाँ जुड़ गई। वापस से हम अपनी पांच वाली पट्टी लेते हैं। ये हमारी वापस से पांच वाली पट्टी है। पांच वाली पट्टी को ये हमारी इस तरह जुड़ गई। अब पांच वाली पट्टी जो हमारी है जो इधर दो बराबर में आई है स्क्वायर, इसके ये इधर एक्स्ट्रा में आगे की तरफ चली जाती है। अब ये कोना इधर निकल जाता है वो पट्टी इधर जुड़ जाएगी। और फिर इसके इसके इधर हम ये चार वाली पट्टी जोड़ते हैं। तो चार वाली पट्टी जोड़ने के लिए हम इधर से इक्वल लेते हैं और फिर बाद में ये हमारी दो वाली पट्टी जुड़ जाती है। इस तरह हमारे ये बनते हैं। पहले दो पीस लगाते हैं, फिर दो के बाद हम चार लगाते हैं, चार के बाद फिर हमारे इधर से स्टार्टिंग से दो पीस रहते हैं, फिर ये पांच पीस लगाते हैं। पांच पीस लगाने के बाद वापस से हम पांच पीस लगाते हैं। तो पांच पीस लगा लिए हमने, फिर हमारे ये चार पीस और फिर दो पीस। इस तरह हम ये सभी पीस आपस में लगा लेते हैं। सभी पीस मैंने आपस में सिल लिए। सभी पीस सिलने के बाद हमारा कुछ इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है। सभी जगह मैंने जहाँ सिलाई की वहाँ पे मैं प्रेस कर लेती हूँ जिससे सभी सिलाई आपस में दब जाती है। अब इस पीस के नीचे हम पेस्टिंग वाली बुकरम लेते हैं जो प्रेस से हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग वाली बुकरम लेती हूँ जो प्रेस से इसके ऊपर पेस्ट कर लेती हूँ, जो एक तरफ थोड़ी चिकनी आती है जिधर और दूसरी तरफ प्लेन आती है। चिकने वाले हिस्से को हम इस पर रख के प्रेस कर लेंगे जो ये इस पर चिपक जाती है। और इसके बैक के अंदर लगाने के लिए हम ये एक इनर लगाने के लिए फैब्रिक लेते हैं, कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं आप। तो ये इसके नाप का हम कट कर लेते हैं। तो मैं इसको बुकरम को इसके ऊपर पेस्ट कर लाती हूँ और इसके नाप से इनर का कपड़ा कट कर लेती हूँ। अब मैंने पूरे पीस के ऊपर ये पेस्ट बुकरम पेस्ट कर लिए और इनर के लिए कपड़ा कट कर लिया। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई मशीन से सिलाई है सभी जगह हम सिलाई मशीन से एक एक सीधी सिलाई भी लगा सकते हैं या फिर सिलाई मशीन से ही जिगजैग भी कर सकते हैं हम, और या फिर हाथ से सभी जगह पे हम कच्चा टांका भी कर सकते हैं। यहाँ मैं यहाँ पे जिगजैग सिलाई करती हूँ। सभी जगह मैंने जिगजैग सिलाई
कर ली। ये मैंने वाइट कलर के धागे से किया, आप किसी भी कलर के धागे से कर सकते हैं। जिगजैग सिलाई करने के बाद अब हम इसमें ऊपर बेल्ट लगाने की बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगाने के लिए मैंने ये 3 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी एक पट्टी काटती हूँ। फिर मैं ये 2 पट्टियाँ काटती हूँ। ये पट्टी 20 इंच तो चौड़ी है और 3 इंच ये सॉरी 20 इंच तो लंबी है, 3 इंच ये चौड़ी है। इस तरह पट्टी काटती हूँ। इसके अंदर भी मैंने ये पेस्टिंग वाली बुकरम पेस्ट कर ली है। अब इसको इस तरह हम दोनों तरफ से फोल्ड करते सिलाई मशीन से मैं इसे सिल लेती हूँ। अब हमने दोनों स्ट्रिप ये बना ली। दोनों स्ट्रिप बनाने के बाद जो हमारा बीच का बैक का पोर्शन, उसके दोनों तरफ ये 2 कोने, इन दोनों कोने के ऊपर हम अपने स्ट्रिप को इस तरह एक एक सिलाई लगा के इस तरह अटैच कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको पिनअप करके दिखाती हूँ। एक सिलाई यहाँ पे लगा देंगे हम। दूसरी सिलाई इधर, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। इस तरह हमारे दोनों जगह ये स्ट्रिप लग जाती है। इस तरह दोनों जगह हमारी स्ट्रिप लग गई है। इस पर हम सिलाई मशीन से सिलाई कर लेते हैं। फिर हम इस बैग को इस तरह हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद हमारे सेंटर में ये कोना आता है, तो ये जो हमारे 2 कोने ऊपर की तरफ से ऊपर ये सीधी पट्टी के पास में एक कोना है, इन दोनों कोनों को इस तरह पकड़ के हम इस वाले कोने को इधर से पिनअप कर लेते हैं। इस वाले कोने को जो हमारे कोना है ऊपर वाली सिलाई के पास में जो कोना पड़ता है, इस वाले कोने को आपस में इस तरह सिलना है हमें। इस तरह हम दूसरी तरफ भी दोनों कोनों को सिलाई कर लेंगे। इस वाले कोने की और इस वाले कोने की इस तरह हम ये पूरी सिलाई कर लेते हैं। इस तरह हमने ये दोनों कोने जोड़ लिए। अब हमारा जो सेंटर का कोना है इसे हम जोड़ते हैं। सेंटर के कोने में पहला स्क्वायर और दूसरा स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर को हम सिलाई लगाते हैं। ऊपर वाले स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं जिस पे हमने बेल्ट लगाई थी, उस वाले स्क्वायर को छोड़ देते हैं और 2 स्क्वायर के ऊपर इस तरह हम सीधी सिलाई लगा लेते हैं। मैं इसको पिनअप कर देती हूँ यहाँ पे, इस तरह यहाँ पे इसे इस तरह ये 2 सिलाइयाँ कोने तक लाके मैं इसे सिल देती हूँ। इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिल देंगी। ऊपर वाले कोने को जिस पे हमने अपनी बेल्ट लगाई थी उस वाले स्क्वायर को हम सिलाई नहीं करते, इसको हम छोड़ देते हैं। नीचे के 2 स्क्वायर को ही हम सिलाई करते हैं। सिर्फ दोनों तरफ हम सिलाई कर लेते हैं। जैसे हमने अपने बैग की सिलाई की इसी तरह हम पूरे इनर की सिलाई कर लेते हैं। इनर में एक तरफ का हिस्सा हम खुला छोड़ देते हैं जिससे हमको इसको वापस से सीधा करना रहता है। तो दोनों की मैं सिलाई कर लेती हूँ। इस तरह मैंने ये ऊपर का स्क्वायर छोड़ के साइड की सिलाई भी लगा लिया दोनों तरफ से, और इसी तरह मैंने पूरे इनर की सिलाई भी लगा ली। इनर में एक तरफ का हिस्सा मैंने खुला छोड़ दिया जहाँ से हम अपने बैग को सीधा करते हैं। अब इनर को हम सीधा करते हैं और बैग के दोनों बेल्ट को भी हम अंदर की तरफ डाल देते हैं। स्ट्रिप को जो है ऊपर की तरफ लगाई हमने। और इनर को भी इसमें डाल देते हैं। और जो हमारे दोनों कोने हैं उन कोनों को हम आपस में सिर्फ पिनअप कर लेते हैं। ये कोना यहाँ से पिनअप हो गया, इसी तरह इधर वाला कोना भी पिनअप हो जाएगा हमारे। इसी तरह हम दूसरी साइड के कोने को पिनअप कर लेते हैं।
और हम इसमें अब इस तरह करते हुए चारों तरफ खुले हुए हिस्से में चारों तरफ हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह मैंने ये ऊपर से चारों तरफ ये सिलाई लगा ली। अब हम इसे सीधा करते हैं, जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसे से हम इसे सीधा कर लेते हैं। इस तरह हमने इसे सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद इस तरह से हमारा ये बैग बन जाता है। अब इसके ऊपर ऊपर की तरफ हम जहाँ जहाँ पे हमने अंदर सिलाई की थी इसके ऊपर हम ऊपर से एक सिलाई और लगा देते हैं, जिससे ये पूरा नीचे सिलाई दब जाती है, जिससे हमारा ये बैग पूरा हो जाता है। हम इसके ऊपर सिलाई लगा लाते हैं। अब मैंने इसे चारों तरफ से इसमें ऊपर सिलाई कर दी है, जिग जैग वाली सिलाई की है, और अंदर जो हमने इनर के अंदर जो हिस्सा खुला रखा था, अंदर जो हमने खुला हिस्सा रखा था उसके ऊपर भी मैंने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम वापस अंदर डाल देते हैं। अब दोनों जहाँ पे हमारे स्ट्रिप लगी हुई है उस जोड़ के ऊपर, दोनों जोड़ के ऊपर हम ये वेलग्रो के छोटे छोटे हम दो पीस लेते हैं, इन्हें ग्लू गन की मदद से हम इसमें चिपका देते हैं। पहले मैंने इस तरह एक तरफ इसको चिपका देती हूँ, यहाँ पे जहाँ पे हमने स्ट्रिप लगाई थी वहाँ पे। इस तरह दूसरे वाले हिस्से को चिपका देते हैं हम। इस तरह हम इस वाले हिस्से पे इसी तरह चिपका देते हैं इधर। अब दूसरे वाले को भी हम चिपका लेते हैं। अब इसमें हमने वेलग्रो चिपका ली, दोनों तरफ हमने वेलग्रो चिपका लिए। अभी हमारा ये बैग कंप्लीट हो गया है। आपको ये मेरा बैग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।